नागराज एक कैरेक्टर जो कि एक कैरेक्टर से बढ़कर कुछ है। कभी सोचा है कि क्यों ये कैरेक्टर ओनली विद 250 कॉमिक्स के साथ इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है? इससे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई कैरेक्टर है तो वो शक्तिमान है, बिकॉज ही गॉट टीवी सीरीज एडेप्टेशन। सो आज आराम से टाइम निकाल कर हम लोग एक ऐसे एवरग्रीन कैरेक्टर को सेलिब्रेट करते हैं जिसकी जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। अपनी डेब्यूट कॉमिक से लेकर नागराज की अब तक बहुत सी कॉमिक्स आई हैं कि री में उसने हमारे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। साले तभी मेरा मत मार। और कुछ कॉमिक्स उसमें थे निहायती बकवास थी, पर क्या करें, हमारा स्नेक किंग वाकई में बस इतना सा ही है। आई एम श्योर हम में से बहुतों ने नागराज की हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करी है, पर सिर्फ यही चीज नहीं है जो इसे बाकी कैरेक्टर से अलग बनाती है। जो चीज उसे बाकियों से अलग करती है वो है उसकी पर्सनैलिटी। भले ही विश्व रक्षक नागराज ने जान ना लेने की शपथ खा रखी हो, बट नागराज हमेशा से ऐसा नहीं था। वो प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार था, वो भी लीगल वाला, जो दुनिया भर की फाइटिंग स्टाइल में निपुण है, दुनिया भर की ताकतें रखता है, जो कुछ भी कर सकता था, पर उसने अपराध खत्म करने का निश्चय किया। बट क्या यह काफी है एक कैरेक्टर को इस कदर अपने डेप्थ ऑफ हार्ट से प्रेम करने के लिए? कतई नहीं। नागराज की कॉमिक्स में तीनों चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें नंबर वन पे आते हैं नागराज के भारी भरकम डायलॉग्स जो कि उसके थिंकिंग को डिफाइन करते हैं। नंबर टू है उसके बड़े ही हैवी ड्राइवर विलेंस जिन्होंने नागराज को कदम कदम पर कड़ी चुनौती दी है, बट देख के बुरा लगता है कि इन्होंने कई विलेंस के पोटेंशियल की तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अड़ी फोड़ रखी है, गाड़ी फोड़ रखी है, जैसे कि नागदन। जस्ट कंपेयर हिम विद हिज वेरी फर्स्ट अपीयरेंस। इस ड्यूड ने क्या कह के ली थी नागराज की, बट फिर उन्होंने उसके कैरेक्टर को पूरा वेस्ट कर दिया। नंबर थ्री, नागराज के सपोर्टिंग कैरेक्टर ये कभी फेल ही नहीं हुए हैं। जब क्लासिक नागराज को आतंकहर्ता के रूप में कंटिन्यू किया गया था तब भी हमें बिल्कुल वैसे ही सपोर्टिंग कैरेक्टर को देखने मिले थे जैसे क्लासिक नागराज की स्टोरी लाइन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोमो, तकाशी, सौडंगी, ब्लै 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 ब्लै। और इतना काफी होता है किसी भी चित्र को पेजेस में से निकाल कर जीवित करने के लिए। जहाँ नागराज की कॉमिक्स अपने को ये सिखाती है कि भले ही आपका आविष्कार अपराध करने के लिए हुआ हो, पर जरूरी नहीं है कि आप अपराध ही करो। एवरीवन कैन चेंज एंड देयर इज नो परफेक्शन। इवन आफ्टर बीइंग सो मच पावरफुल जरूरी नहीं है कि आप हर लड़ाई जीतो और हारो। और इस बात को नागराज के बाद शील्ड भंग सीरीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जहाँ नागराज की अर्ली कॉमिक्स में हमें ये सिखाया जाता है कि लाइफ कितनी अनोखी चीज है। आई बेट अगर आप नागराज फैन हो तो आपने काबुकी का खजाना कॉमिक्स में जब काली की डेथ होती है तो आपको भी बुरा लगा होगा, एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ना। इससे ज्यादा बेहतर क्या ही होगा एक रीडर को अपनी कॉमिक्स हमेशा याद रखने के लिए। नागराज के कॉमिक्स में फन होता है, एडवेंचर होता है, ओवर द टॉप एक्शन होता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली इनमें इमोशन होते हैं। दैट्स व्हाई वी लव आवर स्नेक किंग, दैट्स व्हाई वी लव आवर नागराज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप कौन से कैरेक्टर को प्यार करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिएगा। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। आई सी यू।